दशलक्षण पर्व है हमारा, उसका हमारी VSP न्यूज़ के द्वारा विशेष प्रसारण किया जा रहा है। हमारे साथ निर्माण बिहार जैन मंदिर के अध्यक्ष प्रधान जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी हैं। सभी भाइयों को जय जिनेन्द्र। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। मैं प्रधान धर्मेंद्र कुमार जैन निर्माण बिहार मंदिर में दशलक्षण पर्व और त्रिलोक के विधान बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए VSP चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बोलिए दशलक्षण धर्म की जय। क्षमा से प्रारंभ और क्षमा पे अंत, जो धर्म है वो दशलक्षण धर्म है, पर्युषण पर्व है। आज हम लोग सभी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मना रहे हैं और सोने पे सुहागा ये है कि त्रिलोक के विधान इस पर्व के ऊपर हम लोग पंडित अशोक शास्त्री जी के सानिध्य में कर रहे हैं। आनंद बरस रहा है, ऐसा आनंद जिसकी कल्पना शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उस आनंद के लिए विशेष अनुकंपा भगवान महावीर स्वामी की हम पर है और हमारा पुण्य संयोग और भगवान की अनुकंपा, हमारी भक्ति और प्रभु की शक्ति से ये आनंद उत्सव हम लोग बस धूमधाम से मना रहे हैं। धन्यवाद। मंदो जय जिनेन्द्र। मैं राजेश्वर जैन, यहाँ निर्माण विहार जैन मंदिर में बड़े ही धूमधाम से दशलक्षण पर्व मनाया जा रहा है और एक हमने यहाँ पर त्रिलोक महामंडल विधान की स्थापना की हुई है जिसका आज 8वां दिन है। कल इसका 9वां दिन है। कल यहाँ पर महाशांति धारा लगभग 1 घंटे की होगी जिसका अलग ही अपना आनंद है, अलग ही पुण्य है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस महाशांति धारा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें। धन्यवाद। बंधु जय जिनेन्द्र। दशलक्षण पर्व की हमें पूरे साल प्रतीक्षा रहती है और दशलक्षण पर्व आते ही सभी जैन समुदाय को और अन्य समुदाय को बहुत ही उत्साह प्रकट होता है और सभी लोग बहुत उत्साह से इस पल का इंतज़ार करते हैं। आज हमारे एक एक करके उत्तम, क्षमा, माधव, आजव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इस तरह के दशलक्षण धर्म में आज हम 8वीं सीढ़ी चढ़ चुके हैं और कल हमारा आकिंचन धर्म है और इस आकिंचन धर्म पर विशेष शांति धारा का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। इस विशेष शांति धारा का प्रभाव केवल मंदिर जी में ही नहीं, केवल शांति धारा करने वालों पर ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर विशेष रूप से पड़ता है और चारों तरफ सुख शांति का वातावरण पैदा होता है और सभी को सुख शांति, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है और जीवन में सरलता आती है, शुचिता आती है और हम लोग सभी क्षमा धारण करके एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और क्षमा प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमारी हृदय की जो कुटिलता हैं वे समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में सरलता प्राप्त होती है। हम इस कार्यक्रम को बहुत ही 10 दिन तक बड़े उत्साह से मनाते हैं। आज हमारा 8वां दिन है और कल 9वें दिन हमने विशेष रूप से प्रबंध किया है कि यहाँ पर बड़ी शांति धारा और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा। आप सभी को आमंत्रण है कि आप आइए और इस शांति धारा में शामिल होइए। बहुत ही आनंद मिलेगा और बहुत ही शांति प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं अनिल कुमार जैन निर्माण विहार दिल्ली से दशलक्षण धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये दशलक्षण धर्म वैसे तो साल में 3 बार आते हैं पर जो ये भादवे में दशलक्षण धर्म है इसका जैनियों में विशेष प्रभाव रहता है और इस दिन ये जो 10 धर्म की पूजा है ये इस वजह से है कि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया कि यदि आपको मोक्ष माना है तो सबसे पहले ये 10 धर्म का, जैसे उत्तम, क्षमा मतलब क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शोध, संयम, इन सब सीढ़ियों से उतर के जब आखिरी में आप ब्रह्मचर्य अपने आप विधान करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए
तत्पर हो जाते हैं। यही मेरा सब लोगों से है, मेरा सबसे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। क्या आप रोज मंदिर आते हैं? हाँ बिल्कुल, अभिषेक 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 करता हूँ, अभिषेक जैन, और मंदिर में अभिषेक करता हूँ, शांति धारा करता हूँ। और ये जो हमारे 10 दिन हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जो इन 10 दिनों में मंदिर को छोड़ेगा और लाभ लेने से वंचित रहेगा। तो मैं सभी से, जो निर्माण विहार मंदिर है, जिस हिसाब से उत्साह के साथ जो पर्यूषण पर्व मनाया जा रहा है, आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, सभी भक्त लगे हुए हैं, हमारे प्रधान जी ने जो बताया, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, आज त्याग का दिन है, वो अपने अनुसार बिल्कुल इन धर्म का लाभ लेवे। और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो यथा अनुरूप अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ना केवल खुद आएँ बल्कि आगे वाले आने वाली पीढ़ी को भी लेके आएँ। जय जिनेन्द्र भैया। बोलो आचार्य गुरुवर गुप्ती विद्यासागर गुरुदेव की जय हो, उपाध्याय गुप्ती सागर गुरुदेव की जय हो। आप सभी को जय जिनेन्द्र। पूरा कार्यक्रम VSP न्यूज़ पे रोज़ाना प्रसारण किया जाता है, सुबह की शांति धारा, अभिषेक, और दिन में जो होने वाली पूजा है, जिसमें विधान है त्रिलोक के विधान, 10 लक्षण महापर्व विधान और 16 कारण विधान VSP न्यूज़ पे प्रसारण किया जाता है। आप लोग ज़रूर देखें, धर्म लाभ लें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जिनेन्द्र।